आज जीके के क्वेश्चन मैं बताने जा रही हूँ। 20 क्वेश्चन हैं आपके, ठीक है, और जितने भी क्वेश्चन हैं सब इंडिया के बारे में है। तो पहला क्वेश्चन देखो आप, पहला क्वेश्चन यहाँ पर प्रश्न नंबर 1, भारत के किन राज्यों में उर्दू को दूसरी भाषा का दर्जा मिला है? तो भारत के दूसरे बिहार और उत्तर प्रदेश, यहाँ पर उर्दू को दूसरी भाषा का दर्जा मिला हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, भारत में आज आपातकाल की पहली बार घोषणा कब की गई थी? तो यहाँ पर आपातकाल की घोषणा की गई थी 26 जून 1975 में, यानी कि 26 जून 1975 को, ठीक है। प्रश्न नंबर 3 देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी 1935 में, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी 1935 में, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा होटल कौन सा है तथा कहाँ पर है? तो ये ओबराय होटल मुंबई में है, ठीक है। इसके बाद क्या है, भारतीय गणराज्य, प्रश्न नंबर 5 है, भारतीय गणराज्य के प्रथम सभापति कौन थे? तो ये है डॉक्टर जाकिर हुसैन, भारत के प्रथम गणराज्य के सभापति थे, ठीक है। प्रश्न नंबर 6 है, भारत में महलों का शहर किसे कहा जाता है? इंटरेस्टेड क्वेश्चन है ना, भारत में महलों का शहर किसे कहा जाता है, ध्यान से सुना करो आप लोग। तो यहाँ पर कलकत्ता को महलों का शहर कहा जाता है, कलकत्ता में ना बहुत सारे महल ही महल बने हुए हैं। प्रश्न नंबर 7 है, हाथ पर पौधा उगाने वाले भारतीय का नाम बताओ। बताओ तुम लोगों ने सुना है कोई ऐसा भारतीय है जो हाथ पर पौधा उगा देता है? नहीं सुना है ना, लेकिन सुन लो अभी, ये है रामदास मोदानी, डाकौर के हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 8, भारत में प्रथम बार किसके द्वारा क्रिकेट खेला गया था? अभी देखो क्रिकेट लवर बहुत ज़्यादा है अपने इंडिया के अंदर, क्रिकेट लवर बहुत ज़्यादा है, तो प्रथम बार क्रिकेट किसके द्वारा, भारत में प्रथम बार किसके द्वारा क्रिकेट खेला गया? ये अंग्रेजों के द्वारा खेला गया था 1933 में, यानी 1933 में अंग्रेजों के द्वारा क्रिकेट खेला गया था। प्रश्न नंबर 9 है, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? तो दिल्ली का लाल किला बनवाया था शाहजहां ने, किसने बनवाया था? शाहजहां ने, ठीक है। प्रश्न नंबर 10, भारत के प्रथम भूग ग्रह का नाम क्या है? भारत के प्रथम भूग ग्रह का नाम क्या है? तो इसका नाम है एथल, ठीक है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है जीके के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 11, कौन सा बच्चा बात कर रहा है? प्रश्न नंबर 11, भारत में सोना कहाँ पाया जाता है? तो सोना पाया जाता है कोलार, ये कर्नाटक में कोलार स्थान है, यहाँ पर सोना पाया जाता है पूरे इंडिया के अंदर, ठीक है। प्रश्न नंबर 12 है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म स्थान कहाँ पर है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म स्थान पहू है, पहू, यहाँ पर काफी लोग महू लिख दे रहे हैं, ये पहले मध्य प्रदेश में है, यहाँ पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा कहकर किसने पुकारा था? तो ये पुकारा था रविन्द्रनाथ टैगोर ने, ये आप लिख सकते हो रविन्द्रनाथ टैगोर ने, ठीक है, ध्यान से सुनते रहो। प्रश्न नंबर 14, महाभारत के युद्ध को किसने दिव्य दृष्टि से देखा था? ये क्वेश्चन थोड़ा सा अमेजिंग टाइप का है, बट इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, दे दिया मैंने, संजय है यहाँ पर महाभारत में, इनका पता नहीं क्या रोल था, लेकिन ये यहाँ पर क्या था, दिव्य दृष्टि से युद्ध को देख लिया करते थे, यानी कि बिना मोबाइल के, ठीक। हाँ, प्रश्न नंबर 15, भारत के किस राज्य की 2 राजधानियाँ हैं? ये जरूर क्वेश्चन इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से आता है, भारत की कौन सी 2 राजधानियाँ हैं, मतलब कि जम्मू और कश्मीर है, ये क्या होता है मौसम के हिसाब से चेंज हो जाते, सर्दियों में 6 महीने के लिए कोई दूसरी जगह और गर्मियों में दूसरी जगह 6 महीने के लिए, इस तरीके से ये राजधानियाँ चेंज होती रहती हैं। दूध देने वाली गाय कौन सी है? तो इसका नाम क्या है, साहिवाल है, ये साहिवाल है जो बहुत ही ज्यादा दूध देती है, ब्लैक कलर की होती है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17, भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है? भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है? हो सकता है इस क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन करना हो, 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश है, हो सकता है इसमें कुछ करेक्शन हो। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18, भारत में कितने रेडियो स्टेशन है? ये एग्जैक्ट सही आंसर है, 91 रेडियो स्टेशन है भारत के अंदर, ठीक है। प्रश्न नंबर 19, भारत में कितने व्यापारिक बैंक है? ये 131 व्यापारिक बैंक है भारत के अंदर, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एंड लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारत के दैनिक अखबारों की संख्या कितनी है? तो ये 1012 यानी 1012 20 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं।
तो ये 100 आप 125 आप क्वेश्चन हो गए हैं। डेली डेली मेरे साथ इनको पढ़ते जाइए, याद करते जाइए, इसके बाद आपकी एक टेस्ट सीरीज चलेगी जो आपको टेस्ट भी करना होगा। ठीक है, आज के लिए इतने ही क्वेश्चन है और इनको तैयार करें अच्छे से, कल फिर नए क्वेश्चन के साथ हम आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।